हमारी कंपनी 1941 जब भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था तब से ये कंपनी स्थापित है, और जब पूरे केमिकल्स जो हैं इस भारतवर्ष में इंपोर्ट हुआ करते थे फॉरेन एक्सचेंज का खर्चा करके, तब हमारे कंपनी के जो कर्ता धर्ता थे उन्होंने सोचा कि जो चीज़ यूरोप बना सकता है वो भारत क्यों नहीं बना सकता। तो तब से बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज़ डेवलप किए गए जो सिर्फ यूरोप में या अमेरिका में होते थे। तो उसी दशक से 70-80 के दशक के बाद से किसानों से जुड़ने का सौभाग्य मिला, और काफ़ी वर्षों से हम बहुत सारे ऐसे सुविधाजनक प्रोडक्ट बनाते हैं जो हर किसान हर तरह के खेती में इस्तेमाल करते हैं। भारत में बनते हुए मेक इन इंडिया का स्लोगन तो अभी चालू हुआ, लेकिन हमारा ये काम जो है बहुत दशकों से पहले से हो रहा है, और हम पूरी भारतवर्ष की टेक्नोलॉजीज़ को बढ़ावा देके हमारे किसानों में वो सब अपने प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। प्रोडक्ट तो बहुत सारी कंपनियां बना लेती हैं, लेकिन हम प्रोडक्ट के साथ साथ उसकी नॉलेज और उसका काम करने का तरीका पूरा साथ में बताते हैं, ताकि किसानों को कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो ये मूल रूप से किसानों के साथ जुड़ी हुई कंपनी है, और उसके कार्यकर्ता पूरे देश भर में फैले हुए हैं, और हम किसानों के ही साथ काम करके अपना प्रोडक्ट्स का रिज़ल्ट बताते हैं, और ऐसे भी करते हैं जहां हमारा प्रोडक्ट नहीं भी इस्तेमाल होता, किसानों के साथ हम पूरा काम करते हैं और उनको अच्छी से अच्छी पैदावार देने की कोशिश करते हैं, और साथ में पर्यावरण का ख्याल रहे और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो उनके लिए स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी हों और जो उनके कंज्यूमर हैं उनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी हों। मैं ऐसा समझता हूं कि ये साल भर में एक बार एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पे जो भी कंपनियां या जो भी अच्छे साइंटिस्ट हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको एक लीडरशिप के अवार्ड से नवाजा जाता है। जैसे मुझे पिछले साल जो है सॉइल हेल्थ का अवार्ड दिया गया था, क्योंकि हमारी कंपनी सॉइल हेल्थ के ऊपर काम कर रही है, तो उससे बहुत से लोगों का उत्साह बढ़ा, बहुत से किसानों को ये जानकारी हुई, और बाकी सारे साइंटिस्ट भी हमारे साथ जुड़े, IRI में हमारे प्रोडक्ट्स का टेस्टिंग हुआ। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पर किसान दूसरी कंपनियों को जान सकते हैं और कंपनियां किसानों तक पहुंच सकती हैं। ये मुहिम जो है पिछले 9 साल से चल रही है और जोर पकड़ रही है, और कुछ सालों में ये बड़े पैमाने पे पहुंचने की ऐसी हम आशा करते हैं। तो अच्छा प्लेटफॉर्म होने की वजह से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं। किसानों के लिए नेशनल लेवल पर ऐसा कोई फोरम शायद नहीं है, किसान काफ़ी बटे हुए हैं, यदि हैं तो काफ़ी वो पॉलिटिकल सिस्टम में चले जाते हैं। ये एक ग्रास रूट से लेके नेशनल लेवल तक जो स्ट्रक्चर तैयार किया है वो यदि पॉलिटिसाइज नहीं किया जाएगा, ऐसा हम सब मानते हैं, तो ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म बनेगा जो कि मूल रूप से किसानी के साथ में खेतों से जुड़े हुए किसान अपनी आवाज़ जो है अपने रीजन्स के थ्रू नेशनल लेवल पे लेके आएंगे। तो सरकार को भी एक ग्रास रूट से आने वाली इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और किसानों के लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। हम इसी के लिए इसके साथ जुड़े हैं, क्योंकि हमारी भी आशाएं हैं कि इसमें थोड़ी शुद्धता और अच्छी नीयत से ये काम हो रहा है।